भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम कैलाश यादव ने 5 दिवसीय सनातन पर्व पर बेबाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है और दीपावली हर्षोल्लास का त्यौहार है। साथ ही कहा कि पूरे देश और विदेश में दीपावली मनाई जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में राम राज लौटा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है और भाजपा सरकार में चारों ओर खुशियां ही खुशियां है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। पूरे देश और पूरे प्रदेश में सनातन धर्म का त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के परिपेक्ष में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम कैलाश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इतने बड़े सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है। हालांकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामनगरी में लाखों दीपक जलाकर इस कार्यक्रम को, इस त्योहार को शुरुआत करने की प्रथा आगे बढ़ाई है, तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राम कैलाश जी। डॉक्टर साहब, ये दिवाली का त्योहार है, पूरा सनातन धर्म का 5 दिन का त्योहार होता है, धनतेरस से शुरू होता है और गोवर्धन पूजा से लेकर भैया दूज तक चलता है। क्या है ये पूरा त्योहार, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या क्या मान्यता है अपने हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कैसे देखते हैं आप? जेपी सिंह जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से हमसे ये जानकारी लेनी चाहिए। मैं सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बताना चाहूंगा कि धनतेरस जो आरोग्य के देवता हैं, गुरु धन्वंतरी, उनके उसमें मनाई जाती है जी। और साथ ही आज नरक चतुर्दशी बोलते हैं जी, जो नरकासुर थे उन्होंने 16,100 रानियों को बंधक बना दिया था जी। भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध करके उसका और उन रानियों को मुक्त कराया, तब से ये आज का दिन मनाया जाता है, नरक चतुर्दशी। और उसके साथ साथ कल बड़ी दीपावली है। दीपावली भगवान श्री राम जब वो लंका के रावण को मार करके और जब अयोध्या वापस आते हैं जी, तो अयोध्या में बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया गया। और उसके साथ अगला दिन आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण ने जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनका पूजन, गौ पूजा से लेकर के गोवर्धन पूजा से लेकर के जो बिल्कुल नई चीजें लाई जाती हैं उनका पूजन किया, तब से हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। और उसके बाद बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करने के लिए भैया दौज मनाती हैं। इस तरह से ये पंचदिवसीय त्योहार मनाया जाता है और आपने इसकी जानकारी हमसे चाही, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, मैं एक और बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अभी अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज चल रहा है वहां पे, और उसमें देश और प्रदेश के 54 लोग हैं जो राज्यपाल से ऊपर के जो पदाधिकारी होते हैं उनको आमंत्रित किया गया है। तो ये लगातार, पहले 11 लाख थे, आज 21 लाख और 51 लाख जो दीपक से दीपावली मनाई जा रही है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? ये बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का तो भगवान श्री राम का मंदिर 600 साल पहले से भंवर में फंसा हुआ था। हम लोग कल्पना करा करते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। पहले हमारी पार्टी के लोग नारा देते थे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जी बिल्कुल, और कब बनाएंगे इसकी डेट नहीं होती थी। लेकिन आज बड़ा सौभाग्य का विषय है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में रामलला
विराजमान हो गए हैं और उनका दिव्य और भव्य मार्च जनवरी 2024 में मंदिर का दिव्य भव्य दर्शन होंगे, लोकार्पण होगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज लगभग 24 लाख दीपकों के साथ में अयोध्या बहुत दिव्य भव्य तरीके से मनाई जा रही है। हम लोग खुशियां मना रहे हैं कि राम मंदिर हमारा दिव्य भव्य तरीके से बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से हम लोग अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के जो 14 वर्ष का जो वनवास काट के आए थे उसके परिप्रेक्ष्य में ये भव्य दिवाली मनाई जाती है और हर घर में देश विदेश में भी इस दिवाली के पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दिवाली तो मनाते ही है, पास में ही भगवान श्री कृष्ण है, उनकी कथाओं को पौराणिक कथाओं को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। तो मेरा मानना ये है, मेरा सवाल भी ये है कि जिस तरह से पूरे सनातन धर्म में हिंदू धर्म में जिस तरह से ये तीज त्योहार मनाए जाते हैं तो बड़ी ही अलग ही छटा होती है, इसके बारे में क्या कहें? ये जो पंच दिवसीय त्योहार है हम लोग बड़ा दिव्य और भव्य तरीके से मना रहे हैं और बड़ा सौभाग्य है, इसमें बड़ा सकारात्मक सोच के साथ में हम लोग दीपावली मनाते हैं। कोई भी विषम इस त्योहार पर नहीं किया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि दीपावली 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक ये 5 दिवसीय चलता है, इसमें हम लोग बड़ा आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं। पूरा ये सबसे बड़ा त्योहार है, 5 दिवसीय त्योहार है। कोई भी इसमें जो हिंदू धर्म के लोग हैं कोई भी मांस मदिरा का सेवन तक नहीं है, कोई भी विषन नहीं, कोई भी मांस मदिरा तक नहीं खाते हैं। ये 5 सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा त्योहार है जो 5 दिन लगातार चलता है। अभी डॉक्टर साहब, योगी और मोदी जी पूरे सनातन धर्म को लेकर और दिवाली को लेकर लगातार कुछ न कुछ ऐसे आयोजन करते रहते हैं जिससे धर्म को आगे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, धर्म का लाभ भी मिल रहा है। क्या इस चीज को राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है? देखो, हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं जी, हिंदू धर्म के लोग हैं और इस नाते बड़ा दिव्य भव्य तरीके से इस कार्यक्रम होते हैं और हमारे परंपरा है सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, इस तरह से मनाए जाते हैं, इसमें राजनीतिक कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता भी हैं, आपने पूरी समाज सेवा के साथ साथ लोगों की मदद भी करते रहते हैं, आप अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप दिवाली के त्योहार पर जैसे गरीब तबके के लोग होते हैं तो किस तरह से मदद करते हैं आप? पहले तो मैं दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ अपने सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों से ये अपील करना चाहूंगा जी, कि जो हम लोग पटाखा चलाते हैं जी, इससे तमाम प्रदूषण भी फैलता है, हमारे कुछ लोग उसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं, बिल्कुल, कुछ पशुओं को भी दुर्घटनाएं होती हैं जी। तो एक तो ये अपील है कि इसमें पटाखे वटाखे न चलाए जाएं। और जहां तक गरीबों की मदद की बात है जी, तो हमारा संगठन अखिल भारतीय यादव महासभा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक लोग गरीबों की हमेशा मदद करते रहे हैं। आप पीछे उठा के देखिए, कोरोना काल में लोग सड़कों पर भूखे जा रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर घर जा करके, और माननीय मोदी जी ने तो ये संकल्प लिया है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा जी, और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति बिना छत के नहीं रहेगा, सबको मकान दुकान और सबको भोजन, ये सारी व्यवस्था है। तो हम लोग भी इसमें प्रयास ये करते हैं कि कोई भी त्यौहार किसी का ऐसा न रहे कि मनाया न जाए, सबकी मदद होती है, जो भी जिसको भी आवश्यकता होती है हम लोग मदद करते हैं। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2028 तक जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अंतिम पायदान पे अंतिम छोर पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए फ्री राशन की व्यवस्था आगे बढ़ा दी है। वहीं जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने जो गरीब तबके के लोग हैं जो उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर है उनके पास, उन्हें भी 1 सिलेंडर फ्री में देने का इस दिवाली पर काम किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, गरीबों की मदद होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार तथा हमारे देश की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है जी, और आदरणीय योगी जी ने
अभी दीपावली पर तो गैस सिलेंडर फ्री देने की घोषणा कर ही दी है और दे ही रही है जी। इसके साथ साथ होली पे भी उन्होंने तय कर लिया है कि होली पे भी हम जो भी गरीब लोग हैं उनको गैस सिलेंडर फ्री देंगे। तो जितने भी त्यौहार हैं उनमें हमारी पार्टी, हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, गरीबों की मदद करती है, इस तरह से ये रखा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गरीब तबके के लोगों का पूरा ख्याल रखती है, तो इस दिवाली के पंचदिवसीय जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते जी? मैं तो इस दीपावली के त्यौहार पर सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों से यही अपील करना चाहूंगा जी कि आप दिव्य और भव्य तरीके से दीपावली का आनंद लें और खासकर पटाखे वगैरह न चलाएं, ये हम अपील करना चाहेंगे। बच्चों से भी यही अनुरोध करना चाहेंगे कि पटाखे न चलाए जाएं कि उससे तमाम तरह के प्रदूषण बीमारियां फैलती हैं और हमारे समाज के लोग भी उसमें काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर कट जाता है, तमाम दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो हमारा विशेष यही अनुरोध है और साथ ही एक अनुरोध है कि दूसरे देश की बनी हुई चीजें न परचेज करें, अपने देश में बनी हुई चीजों का सेवन करें, जैसे दीपक और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो स्वदेशी चीजों का ही प्रयोग करें, यही अपील करना चाहूंगा। बहुत बहुत